हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये हमारी शर्ट सीरीज का पार्ट 6 है और आपको 1 to 5 पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लेना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना अगर सीखना है तो। सबसे पहले हम बाजू की पट्टी बना लेंगे। इसके लिए हम इस तरह से मोड़ लेना है। दोस्तों, इसकी कटिंग की वीडियो भी हमने बनाई है, देख लेना जाकर। अब यहाँ पर हमें ये कपड़ा जोड़ना है पट्टी बनाने के लिए। अब इसको हमें इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगानी है और इसी तरह हम यहाँ पर टाँकी बांध लेंगे। यह हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें कट लगा के नीचे की तरफ से कपड़े को काट लेना है। यहाँ पर कट लगा देना है इस तरह से। वापिस से हमें इस कपड़े को मोड़ लेना है। हम नाखून मार देंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ पर हमें इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है इस तरह से। दोस्तों, और भी कई तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब इस तरह से हम लब पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमें मोड़ लेना है इसे और फालतू कपड़ा काट के जितना हमें पट्टी मोड़ना है उतना ही रखेंगे इस तरह से। हमने इतनी लंबी पट्टी रखी है, ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है दोस्तों। इसी तरह हम दोनों बाजू की पट्टी बना लेंगे। दोस्तों, हमारी पट्टी बन चुकी है दोनों बाजू की। अब हम कॉलर को कपड़े में सिलाई करके पलट लेंगे इस कपड़े में। इस तरह से हमें कॉलर रखना है और चारों तरफ से हम सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे। इस तरह से बिल्कुल कॉलर के नज़दीक से सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे और फालतू काट लेना है इस तरह से। अब हम इसको पलट लेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी वीडियो डिलीट हो चुकी है। हमने इसको पलट के सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से सेंटर में कट लगा दिया है हमने। अब इसमें हम स्टेन जोड़ लेंगे। कट से कट मिला लेना है और कट से ही हम सिलाई शुरू करेंगे और बाहर की तरफ सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम इसी तरफ भी लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम वापस से कपड़ा जोड़ लेंगे। ये हमने कपड़ा लिया है, इसमें हम कॉलर पलट लेंगे इस तरह से। स्टेन को बिल्कुल स्टेन के नज़दीक से सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें फालतू कपड़ा काट लेना है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से हमें स्टेन पर सिलाई लगानी है और नीचे के कपड़े को हमें थोड़ा बाहर की तरफ खींचते जाना है। अब हम पेन से मार्क लगा देंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है। पहले हम मार्क लगा देंगे, फिर दोनों तरफ पॉइंट का मार्क लगा देंगे इस तरह से। और पॉइंट का भी मार्क लगा लेना है दोनों तरफ। और हम मार्जिन थोड़ा रख के फालतू कपड़ा काट लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है और फालतू कपड़ा काट लेना है। अब हम इस तरह दोनों पॉइंट को मिला के सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया है। अब दोस्तों, हम कप को पलट लेंगे इस कपड़े में।
इस तरह से हमें कप को रखना है और ऊपर की तरफ से हमें सिलाई लगानी है, और सिलाई हमारी कप पर नहीं लगानी है, बिल्कुल कप के नज़दीक लगानी है, ऊपर नहीं चढ़ानी है। और इस तरह से मार्क लगा देना है पॉइंट का, और सीधा मार्क लगा देना है ताकि हमें सिलाई करते टाइम हमारी सिलाई सीधी है। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है पॉइंट मिला के। इसी तरह दोस्तों हमने दोनों कप को पलट लिया है। अब हम बाजू चढ़ाएंगे। इसके लिए पहले हम बाजू में नाप लेंगे, ज़्यादा बड़ी या छोटी ना हो इसलिए हमें पहले नापना ज़रूरी है। हमारी बाजू सही आ रही है। पहले हम बाजू की किनारी मोड़ लेंगे नीचे की तरफ से। इसकी किनारी इस तरह से हमें मोड़ लेना है एक बार फॉलो करके। इस बाजू का भी हमें मोड़ लेना है दोनों बाजू का। अब हम इसमें जोड़ लेंगे। पहले हम जेब वाला भाग लिया है फ्रंट वाला, जो हमारा गड्ढे वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ रखना है, और जो नॉर्मल राउंड है वो पीछे की तरफ आएगा, इसलिए उसका ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो हमारी बाजू उल्टी लग सकती है। बाजू की जो पट्टी है वो आगे पीछे हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखें। इसी तरह दोस्तों हमने दोनों बाजू चढ़ा लेनी है। ये हमने दोनों बाजू चढ़ा दिए। अब इसमें हम कवर सिलाई लगा देंगे। कपड़े को हमें फ्रंट की तरफ मोड़ के कवर सिलाई लगा देनी है। हम ज़्यादा बड़ी नहीं लगा रहे हैं, पतली ही लगा रहे हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसी तरह दोनों बाजू की हम कवर सिलाई लगा देंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।